हेलो दोस्तों, मैं निशा विक्रम हूँ। मैं क्राफ्ट कैनवस की प्रमोटर हूँ। मेरी कंपनी पूरी देश में लगभग 25 क्राफ्ट कम्युनिटीज़ के साथ काम करती है। हमारे कारीगर और डिज़ाइनर्स का टीम पारंपरिक हस्तकला का उपयोग करते हुए कई तरह का आधुनिक म्यूरल्स यानी कि पट्टचित्र बनाती है। ये एक उदाहरण है। आपके बाएं तरफ जो है वो है मध्य प्रदेश का पारंपरिक स्टाइल का किया हुआ गोंद पेंटिंग, जो दीवार या पेपर पे बनता है। इसी स्टाइल को यूज़ करके हमने DICRC के साथ मिलकर एक सिरामिक म्यूरल जो आपके दाएं तरफ है वो बनाया। इस प्रोजेक्ट विदेश से आए हुए सिरामिक के माहिर डेविड ग्रे और गोंद के कारीगर टीम का सहयोग है। आप खुद देख सकते हैं कि स्टाइल वही है लेकिन उत्पादन कितना अलग है। ये हम कैसे करते हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। पहला स्पेस यानी कि जगह। हर जगह अलग होती है। उसकी साइज कितनी है, वो कितना ऊंचा और चौड़ा है, उसकी स्थान क्या है, वो क्या बारिश धूप में है या एसी वाले रूम के अंदर, वो दीवार की विशेषताएं क्या है, उस पर सीधे पेंट हो सकती है या नहीं, उस पर ड्रिलिंग कर सकते हैं या सिर्फ चिपका सकते हैं, वो दीवार पर किस तरह की लाइट गिरती है, ये सब चीज़ों की ध्यान रखनी पड़ती है। अगला आता है ग्राहक। उनका दृष्टि क्या है उस जगह के लिए, वो सबसे ज़रूरी है। ये म्यूरल के दौरान वो क्या कहना चाहते हैं, शायद उनके खुद की विशेषता के बारे में बताना चाहते हैं या ये दिखाना चाहते हैं कि वो लोकल क्राफ्ट को सपोर्ट करते हैं। जगह की विशेषताएं और ग्राहक की दृष्टि ध्यान में रखते हुए क्राफ्ट और अभिव्यक्ति का माध्यम चुना जाता है। ये हर प्रोजेक्ट के लिए अलग होता है। अभी मैं आपको एक उदाहरण दिखाती हूँ। ये प्रोजेक्ट हमने किया था एवरेस्ट इंडस्ट्रीज का मुख्यालय के लिए। जगह की विशेषताएं ये थे कि वो बहुत मॉडर्न स्टाइल का ऑफिस था और ये दीवारें ऑफिस के अंदर थे। दीवार का मटेरियल था फाइबर सीमेंट बोर्ड, जो वो कंपनी के सबसे प्रमुख प्रोडक्ट था। ये क्लाइंट एक पुरानी भारतीय कंपनी है जो विदेश में भी बहुत मशहूर है। उनको ये तरक्की की कहानी बतानी थी अपने क्लाइंट्स को जो इस ऑफिस पे आने वाले थे हर रोज़। इस सब को ध्यान रखते हुए हमने चुना क्राफ्ट गोंद पेंटिंग। गोंद पेंटिंग्स में पैटर्न्स यूज़ करते हैं, वही उस खास की क्राफ्ट की खासियत है। सिर्फ पैटर्न को इस्तेमाल करके हमने पूरा एक नदी बनाया जो बड़ा बनता जाता है हर दीवार पर, ये कंपनी की तरह। उसके साथ में उनके क्लाइंट्स की जानकारी के लिए कंपनी की सफलता के विवरण और वहां काम करने वालों के लिए प्रेरक उदाहरण हमने प्रिंटिंग और स्टिकर्स के दौरान पेश किया। ये पहला कंप्यूटर में बनाया हुआ ड्राइंग है। हमारा डिज़ाइन हर टाइम ऐसा ही शुरू होता है। ये हमारे गोंद के कारीगर हैं जो साइट पे पेंटिंग कर रहे हैं और ये उसका फाइनल परिणाम के कुछ फोटोज। दोस्तों, ये मत सोचिए कि सिर्फ पेंटिंग काम का ऐसा उपलब्ध हो सकता है। ये उदाहरण से देख सकते हैं कि मिट्टी के काम का बहुत म्यूरल्स बन सकते हैं। ज़रूर बनाइए और बनाते वक्त हमारा ये छोटी सी बातचीत याद रखिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस उपक्रम में सफल होंगे। धन्यवाद।